006. इंद्री में एक डोनेशन सेंटर खुला हुआ है जहाँ पर काफ़ी संगठन, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो हैं वो आकर के यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आज हमारे पास पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो भादसों में है वहाँ से जीएम साहब आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर 200 राशन पैकेट, अगर एक फैमिली को एक यूनिट मान करके देखा जाए तो उस पैकेट में लगभग 10-15 दिन का राशन है, ज़रूरत का सामान है सारा। तो वो ऐसे 200 पैकेट जो हैं पावर ग्रिड की तरफ से हमें यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार से राइस मिल एसोसिएशन, पिकाडली शुगर मिल भादसों, कच्चा आड़ती एसोसिएशन, नंबरदार एसोसिएशन, सरपंच कई गांवों के जो पंचायतें हैं, इस प्रकार करियाना एसोसिएशन, तो भी कई एसोसिएशन हैं जो इस समय में मानवता की सेवा के लिए जनहित में आगे आ रही हैं। तो जैसे ही हमारे पास डिमांड आती है कि इस प्रकार का कोई भी परिवार है जिसको खाने की समस्या हो सकती है, तो यहाँ से हम तुरंत जो है राशन की किट्स इशू करते हैं और उनको प्रोवाइड करवाते हैं। लगभग हमने यहाँ से 300 राशन किट जो हैं इशू किए, यानी 300 परिवार को हम ड्राई राशन प्रोवाइड करवा चुके हैं। काफ़ी संस्थाएँ ऐसी हैं जो कुक्ड फूड, बना बनाया खाना भी जो है ज़रूरतमंद को प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन हमारी यहाँ से पे कोशिश रहती है कि जितने भी लोगों को ज़रूरत के हिसाब से जो भी सूचना मिलती है तो हम यहाँ से राशन किट इशू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर लगभग अगर आज की डेट में हम देखें तो 600-700 किट हमारे पास रेडी हैं, और हमारे पास और भी सामान आ रहा है जिसे हम तुरंत प्रभाव से और भी किट्स बना देंगे। तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो है राशन सामग्री है। इंद्री में किसी को भी फिक्र करने की या फिर पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। से हमारे पास सूचना आती है, जिला हेल्पलाइन पे भी सूचना आती है कि भाई कोई परिवार जो है भूखा है और उसको खाना या राशन सामग्री की ज़रूरत है। और हमारे पास वैसे भी फील्ड से काफ़ी माध्यम से, जैसे नंबरदार, सरपंच, किसी भी माध्यम से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, तो हम अपने फील्ड लेवल के जो हमारा स्टाफ है, नगर पालिका क्षेत्र में सेक्रेटरी साहब हैं, ग्रामीण एरिया में BDO साहब हैं, हम उनसे रिपोर्ट लेकर के उन्हीं को एक किट इशू करते हैं जो आगे प्रोवाइड की जाती है ज़रूरतमंद। क्योंकि लॉकडाउन किया गया है, कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए इंद्री में प्रशासन की तरफ से काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे करियाना फल सब्जियां हैं इनकी होम डिलीवरी के लिए हमने प्रोविज़न किया है, और केवल एसेंशियल जो चीज़ें हैं उन्हीं को यहां पर खोला गया है। और हमने माइग्रेंट और जो प्रवासी मजदूर हैं ऐसे कोई यहां इंद्री में समस्या सामने नहीं आई, फिर भी हमने एक शेल्टर होम राधा स्वामी सत्संग भवन जो इंद्री में है उसको चिन्हित किया है। हमारी पूरी तैयारी है कि इस प्रकार की भी अगर कोई लेबर जो है माइग्रेंट या स्टैंडर्ड अगर सामने आती है तो उसको भी रोकने में सक्षम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं राहत सामग्री के लिए यहाँ पर डोनेशन सेंटर है, तो यहाँ पर हमने जो भी डोनेशन आती है ऑन डिमांड हम भेज देते हैं उसको। और दवाइयों का छिड़काव चल रहा है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और SHO ये पूर्ण रूप से पूरा दिन जो है तैयार हैं, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि प्रशासन, जनता का भी हमें सहयोग मिल रहा है, तो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमारे प्रयास हैं वो हम ये कह रहे हैं कि हम उनमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सरपंच महोदय और सारे नंबरदारों से कि भाई जो गांव है अगर वहां पर अगर कोई ऐसा परिवार है तो उसकी जिम्मेदारी गांव अपने आप उठाए, क्योंकि एक गांव एक ऐसी इकाई है जो अपने आप में पूरी तरह सक्षम है अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और जो शहर नगरपालिका एरिया है इसके आसपास अगर कोई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हमारे पास पूर्ण व्यवस्था है। और मैं अपील यही करना चाहूँगा लोगों से, जितने भी लोग जो जिनके पास ये कह सकते हैं जो दान करने की स्थिति में हैं वो ज़रूर आगे आएँ। ये मानवता का समय है तो मानवता के लिए कठिनाई, लेकिन अगर सब इकट्ठे होकर के आगे आएंगे तो इस पर जीत निश्चित पाई जा सकती है। ताकि सबको मालूम है कि कोरोना से सारा विश्व इस समय स्ट्रगल कर रहा है, सभी लोग उससे लड़ रहे हैं। हमारा राष्ट्र भी एक जो नेशन व्यापी राष्ट्रव्यापी जो एक तरह से लॉकडाउन चल रहा है उसमें एक टफ सिचुएशन जो है, जो डेली कामगार लोग हैं जो डेली कमा के तब उनके घरों में चूल्हा जलता है, तो उनको ये दिक्कतें कुछ आई हैं, लेकिन हमारा जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन है, बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर रहा है। जैसा कि SDM साहब ने बताया कि एक घर घर सबको देख रहे हैं, सबका टेक केयर कर रहे हैं, सबको खाना पहुँचाया जा रहा है, ड्राई राशन पहुँचाया जा रहा है। इसी कड़ी में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का महारत्न कंपनी है, उन्होंने भी एक अनुदान अप्रूव किया है करीब 15 लाख के आसपास, जो कुरुक्षेत्रा के आसपास और यहाँ के लिए भी। और अभी हम लोग कल कुरुक्षेत्रा में करीब 1500 का ऑर्डर दे के आए, 1500 पैकेट, जो कि हर पैकेट में 14 किलो का ड्राई राशन है, और वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट।
और यहाँ पे भी हम लोग करीब 300 दे रहे हैं, काम करेंगे। जैसा कि SDM साहब ने बताया, कोई भूखा नहीं रहेगा यहाँ पे, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। कहेंगे कि आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ये क्योंकि एक नेशनल त्रासदी है, विश्व त्रासदी है। इसमें आपको एक एक आदमी को, जब तक आगे समर्थ आदमी अगर आगे आएगा तो एक कोई भी इंसान जो भारत का है, कभी भी पीछे नहीं, मतलब वो जो हमारी अर्थव्यवस्था में जुड़ा हुआ था, लेकिन आज वो किसी वजह से आज वो अपने खा कमा नहीं पा रहा है, तो कम से कम उनके हेल्प के लिए आप आगे आएँ और एकदम सहयोग करें, हर लेवल पे सहयोग करें। क्षेत्र में लगातार गश्त हैं, दिन में भी और रात में भी, अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है तो तुरंत प्रशासन वहाँ पहुँचता है। अभी तक अपने इलाके में कोई ऐसा केस सामने नहीं आया, बिल्कुल सभी ठीक ठाक हैं। अगर कोई आएगा तो तुरंत प्रशासन तुरंत कार्रवाई की पाबंदी है। पूरे क्षेत्र में हर गाँव में अब लोग जागरूक हो चुके हैं, गाँव वाले खुद बड़े इंटरेस्ट से, दिल से वो ड्यूटी दे रहे हैं, और हम समय समय पर उनको चेक भी करते हैं, तो नाकाबंदी पे मिलते हैं लोग। सभी को यही समझाया भी बाहर ना निकले किसी भी सूरत में, आदमी अपने घर रहें और डिस्टेंस बना के रखें।